स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं ताऊते तूफान से जुड़ी हुई। और देखिए, ताऊते तूफान ने जगह जगह भारी तबाही मचाई है। बड़ी खबर यह है कि मुंबई में जहां तूफान की वजह से समंदर में फंसा एक जहाज डूब गया है। इस जहाज में कुल 273 लोग सवार थे, जिनमें से 146 लोगों को अभी तक सुरक्षित बचा लिया गया था। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। कल मुंबई के आसपास 4 जहाज तूफान में फंस गए थे। चारों जहाज को मिलाकर करीब 700 लोग समंदर में फंसे हुए थे। और जो जहाज डूब गया उसका नाम बार्ज 3305 था। ये ऑयल रिग का बार्ज था और इसमें 273 लोग सवार थे, जिनमें से 146 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 130 की तलाश की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत और मृत्युंजय सिंह मुंबई से मौजूद है। नीरज, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करने की लगातार कोशिश हो रही है नीरज, और ऐसी दुर्गम परिस्थितियां हैं। कल जब ताऊते मुंबई के सबसे करीब से होकर गुजर रहा था तब ये SOS आया था, तब से ही कोशिशें जारी हैं। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही होंगी, और क्योंकि INS कोच्चि और INS कोलकाता दोनों उसी इलाके के आसपास हैं, तो किस तरह से कोशिश वहां पर की जा रही होगी, जरा इसकी जानकारी दीजिए। बिल्कुल आदर्श, कल ये जानकारी मिली थी कि ये बार्ज P305 है, जो कि वहीं पर मुंबई हाई सीज में जो ऑयल रिग है, हीरा ऑयल फील्ड है, उसका ये बार्ज था जो कि ड्रिफ्ट कर गया था। तो कल सुबह 6 बजे ही जो INS कोच्चि और INS कोलकाता, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोत हैं, इन दोनों को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। इसके अलावा जो दो और रेस्क्यू वेसल थे जो कि ONGC के थे, जिनमें एक का नाम अहिल्या, ग्रेट शिप अहिल्या, और दूसरा ओशन एनर्जी, इन दोनों को भी लगाया गया था। जो आज सुबह जानकारी भारतीय नौसेना ने दी है उसके मुताबिक ये बार्ज जो है, जो ड्रिफ्ट किया गया था कल, ये अब डूब चुका है। कुल 273 इसमें कर्मचारी मौजूद थे, जिनमें से 146 को बचाया गया है। 111 जो कर्मचारी हैं वो कोच्चि और कोलकाता युद्धपोत ने बचाए हैं। 17 जो कर्मचारी हैं वो ऑफशोर सपोर्ट वेसल ग्रेट शिप अहिल्या ने बचाए हैं, और 18 जो कर्मचारी हैं उनको ओशन एनर्जी जो शिप है ONGC का, उन्होंने बचाया है। हालांकि ONGC की तरफ से अभी यही जानकारी मिली कि ड्रिफ्ट किया है, लेकिन भारतीय नौसेना ने कहा है कि ये डूब गया है। अभी इसमें करीब करीब 127 और कर्मचारी हैं जिनके लिए तलाश जारी है, और ये दोनों ही जहाज INS कोच्चि और कोलकाता और ONGC के जो जहाज हैं, ये सभी वहाँ पर लगे हुए हैं उस एरिया में जहाँ पर ड्रिफ्ट किया था, और इन कर्मचारी को बचाने के लिए। आदर जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार मृत्युंजय से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। मृत्युंजय, कुछ और ताज़ा जानकारी मिल पाई है अभी वहाँ पर प्रशासन की तरफ से, कुछ भी अपडेट मिल पाया हो कि कोशिशें और तेज़ की गई हैं, कुछ लोगों को बचाया जा सका है अभी तक? आदर्श, देखिए, जो पूरी राहत और बचाव कार्य की जिम्मेदारी है वो इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और जो ONGC का उनका निजी सपोर्ट है, उसके जरिए मदद कार्य की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि मौसम कितना खराब है। चक्रवाती तूफान तो बीते काफी वक्त हो गया, लेकिन जरा देखिए, मैं इस जगना फिलिया के नज़दीक हूँ, और यहाँ INS शिक्रा जो हेली बेस है नेवी का, वहाँ से बेहद नज़दीक हूँ मैं। लेकिन समुद्र में देखिए ये ऊंची लहरें कितनी उठ रही हैं, और ऐसे पर जब ये समुद्र के किनारे की ये तस्वीर है, अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंची लहरें उठ रही हैं। अभी भी मुंबई में बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, और साथ ही साथ जो रिसर्च और रेस्क्यू मिशन है, इसीलिए चुनौती आ रही है कि जो हेली यहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं INS शिक्रा से, तो वो वहाँ पर रेस्क्यू में पूरी तरह से मददगार साबित नहीं हो पा रहे हैं, और इसीलिए INS कोलकाता और INS कोच्चि के जो नौसेना के जवान हैं वही प्रयास कर रहे हैं कि इन सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जो पिछली जानकारी आई थी यही आप आई है कि 146 लोग को बचाया गया था, और ये जो बार्ज है वो डूब चुका है, और जो लोग हैं जो उनको बचाने का काम किया जा रहा है। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि देखिए लगभग 127 से 130 जाने हैं जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही होंगी, जो लाइफ जैकेट पहनकर इस प्रकार के समुद्र के लहरों में संघर्ष कर रही होंगी। और इंडियन नेवी एक उम्मीद है उनके सामने, इंडियन नेवी के ही जवान है जो उम्मीद के साथ एक देवदूत बनकर उनके सामने होंगे, जो प्रयास कर रहे होंगे कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। देखिए साइक्लोन का इफेक्ट कितना है कि मई महीने में हम इस प्रकार का रफ समुद्र, जो रफ वेदर है वो नहीं देखते, इतनी ऊंची लहरें नहीं देखते, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि जब ये किनारे की ये तस्वीर है, तो आप कल्पना कीजिए कि जहाँ पर ये घटना हुई है, लगभग जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 48 नॉटिकल माइल दूरी पर यह घटना हुई होगी, वहाँ बार्ज जो डूबा है वहाँ किस प्रकार की स्थिति होगी। विजिबिलिटी बेहद लो है, यहाँ से हम खुद देख पा रहे हैं, यहाँ आमतौर पर जो सामने आपको पहाड़ी जैसा दिख रहा है वो एलिफेंटा केव्स है और आइलैंड है, लेकिन यहाँ से बहुत स्पष्ट दिखता है, लेकिन देखिए बहुत धुंधला नज़र आ रहा है। तो जब ये किनारे की ये तस्वीर है, तो आप समुद्र के यहाँ जहाँ साइक्लोन का प्रभाव पड़ा था वहाँ क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान लगा सकते हैं। हम समुद्र की ऊंची लहरें बताने के लिए काफ़ी है कि कितना संघर्ष और चुनौती भरा काम है, लेकिन नेवी एक उम्मीद है, और नेवी यही काम में जुटी हुई है, और उम्मीद है कि इन सभी जानों को भी नेवी बचा लेगी।
जी आदर्श जी, आप रहे नीरज, मुझे एक बात बताइए, नेवी के ऑपरेशंस, उनके एक्सरसाइजेस बहुत क्लोजली आप मॉनिटर करते रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं मृत्युंजय, और लगातार कोशिश हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी हो रही है लेकिन विजिबिलिटी नहीं है, हवा बहुत तेज है, वहां पहुंच पाना शायद मुश्किल हो, तो कैसे कोशिश जो नेवी के शिप्स हैं वहां पर किस तरीके से कर रहे होंगे ताकि लोगों को निकाला जा सके? 127 जाने हैं जो वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत चुनौतीपूर्ण ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कि भारतीय नौसेना से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक बहुत चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि सर्च करना है आपको, क्योंकि अब जो जानकारी मिल रही, पहले ड्रिफ्ट कर रहा था ये जो जहाज था, बार्ज जो है, ये फ्लैट शिप होता है आदर्श, अगर बता दें, बार्ज जो होता है एक फ्लैट शिप होता है जिस पर सामान रखा जा सकता है, जैसे हम कार्गो शिप्स देखते हैं उस तरह का फ्लैट बिल्कुल होता है, और उसमें जो कर्मचारी होते हैं, जो ऑयल रिग्स, ये जैसे ये तेल के कुएं होते हैं उनमें वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर रहते हैं जब काम करते हैं वहाँ पर, तो उनके लिए ही ये 273 कर्मचारी, ये जो हीरा फील्ड ऑयल फील्ड है जो कि मुंबई हाई सी में है, उसका ये बार्ज था जो कि ये ड्रिफ्ट किया कल सुबह 6 बजे के करीब, फिर SOS कॉल आई, फिर भारतीय नौसेना और जो ONGC के शिप्स हैं वो इसके लिए रेस्क्यू के लिए गए, तो ये अभी क्योंकि हाई सी, क्योंकि अब ये समुद्र में इस वक्त जो तूफान की वजह से बहुत रफ सी है इस वक्त, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है इस तरह के सी में नेविगेशन करना, तो उसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि P-8I एयरक्राफ्ट जो है भारतीय नौसेना का, जो टोही विमान है जो ऊपर आसमान में से निगरानी रखता है समुद्र में, उसके जरिए कोशिश की जा रही है कि कहाँ पर ये जहाज होगा, इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी वो लोकेशन बताएगा, और फिर वो जहाज जो कोची और कोलकाता हैं और दूसरे जो ONGC के जहाज हैं वो नियरेस्ट वहाँ जगह तक पहुँचेंगे, और वहाँ कोशिश करेंगे कि जो कर्मचारी मिसिंग हैं उनकी तलाश की जाए और उनको किसी तरह से बचाया जाए, ये अभी तक की जो जानकारी हमें भारतीय नौसेना की तरफ से मिली है। अभी तक जिन लोगों को बचाया गया नीरज, उनको अलग अलग जहाज़ों ने मिलकर बचाया है, कुछ भी जानकारी अगर शेयर की गई अथॉरिटीज़ की तरफ से कि उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है या कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि उन्हें और कितना आगे जाना होगा, जहां पर 127 जाने फंसी होंगी उनको निकाला जा सके, कोई चीज़ शेयर की गई हो अभी अथॉरिटीज़ की तरफ से? देखिए आदर्श, इसके बारे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो ऑन गोइंग है उसके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी दी गई है कि दोनों जो नौसेना की तरफ से कि दोनों ही जहाज और जो अहिल्या और ग्रेट एनर्जी जो है ये दोनों जो शिप्स हैं ये भी चारों जो हैं वहाँ पर लगे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है, जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो मुंबई में जो बेस है भारतीय नौसेना का वहाँ से जो है उन्होंने उड़ान भरी है, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि देखने के लिए कि कहाँ पर लोकेशन हो सकती है, अगर कोई भी कर्मचारी अगर दिखाई देता है जो कि इस बार्ज पर तैनात थे उनको अगर दिखता है तो वो तुरंत जो है नौसेना के जो जहाज हैं उनको संपर्क करें और उनसे फिर वो सीधे उनको उनको बचाया जा सके। तो अभी तक की जानकारी यही है, भारतीय नौसेना ने कहा है कि जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो इसके बारे में ज़रूर जानकारी देंगे कि आगे की जानकारी कि आखिरकार कितने और कर्मचारियों को बचाया जा सका है। इसके अलावा आदर्श आपको बता दूं कि मुंबई में ही एक दूसरा बार्ज है जो कि कोलाबा पॉइंट से करीब 40-45 नॉटिकल मील्स दूर है, वो भी ड्रिफ्ट कर गया है, उसमें भी जो हमें जानकारी मिली है उसमें 137 कर्मचारी हैं, वो अभी ड्रिफ्ट किया है 48 नॉटिकल माइल्स दूर है कोलाबा पॉइंट से, ये भी गल कॉन्स्ट्रक्टर नाम का ये बार्ज है जिसमें 137 कर्मचारी हैं, इसके लिए एक अलग से रेस्क्यू ऑपरेशन कोलाबा पॉइंट से 48 नॉटिकल मील्स दूर चल रहा है, जहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड जो तटरक्षक बल है भारत का, वो उसका एक शिप है INS समर्थ, वो इसमें लगाया गया है, INS सम्राट, और इसके अलावा ONGC के कभी एक वेसल है वाटर लिली, ये दोनों भी इस ड्रिफ्ट जो ड्रिफ्ट किया है ये बार्ज, इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर जो 137 कर्मचारी हैं उनको भी सुरक्षित लाया जा सके, बचाया जा सके। अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लगातार कोशिशें हो रही हैं इन तमाम जानों को बचाने की। देखिए चार जहाज करीब अभी फंसे हुए हैं और 700 लोग समंदर में हैं। मृत्युंजय मुझे एक बात बताइए, तमाम कोशिशें तो हो रही हैं, इस बीच ONGC की तरफ से कुछ जानकारी साझा की गई है क्या, कुछ अपडेट उनके पास हो, क्योंकि वो भी लगातार नेवी अथॉरिटीज़ के टच में होंगे और कोशिशें ONGC की तरफ से भी हो रही होंगी। जी देखिए, बीती रात को ONGC की तरफ से एक जानकारी आई थी कि जो 273 लोग हैं बार्ज पर वो सभी सुरक्षित हैं, और उनके जो निजी वेसल्स हैं उसके मदद से, चाहे अहिल्या हो या उनके निजी संसाधन हो, उसकी मदद से वो राहत कार्य कर रहे थे जब तक नेवी उनकी मदद के लिए नहीं आई थी। आपको बता दें कि INS कोची और कोलकाता 4 बजे के बाद वहाँ पर पहुँचे और 5:30 या 6 बजे से ये जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। आदर्श, मैं जहाँ खड़ा हूँ यही मुंबई का कोलाबा इलाका, और यहाँ से 48 नॉटिकल माइल दूरी पर ये दुर्घटना हो रही है। जैसे मेरे सहयोगी नीरज बता रहे थे कि
अलग अलग घटनाएं हुई हैं। ये दर्शकों को समझना होगा कि ये हम एक घटना की बात कर रहे हैं जो बाघ 3305 है। इसके अलावा तीन और घटनाएं भी समुद्र में हुई हैं और वहाँ भी इसी प्रकार का रेस्क्यू मिशन चालू है। एक पहली घटना जो बाघ 305 जो कि 273 लोग थे जिसमें से 43 लोग को बचा लिया गया, अन्य लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। लेवी के मुताबिक ये बाघ डूब चुका है। दूसरी जो घटना है वो बॉल कंस्ट्रक्शन है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से 45 नॉटिकल माइल दूरी पर एक बॉल कंस्ट्रक्शन है बाघ, जिस पर 135 लोग सवार हैं और इसको बचाने के लिए कोई इंडस्ट्रियल वाटर नहीं और कोस्टगार्ड का जो शिप है सम्राट उसका उपयोग किया गया है। वहाँ कोस्टगार्ड और नेवी की मदद से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। तीसरी जो घटना है वो ऑयल रिग है सागर भूषण, उस पर 101 लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए INS तलवार रवाना हुई है। और जो चौथी घटना हुई है बाघ SS-3 है जिस पर 196 लोग सवार है और वहाँ पर भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन नौसेना की मदद से किया जा रहा है। P-81 की जो नौसेना का एयरक्राफ्ट है उसकी मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आदर्श, ये जो रफ वेदर है, खराब समुद्र है और ऊंची लहरें हैं, यही चुनौती बनी हुई है और इन्हीं चुनौतियों को पार कर इन जानों को बचाना है। समुद्र में सैकड़ों जानें डूबी हुई हैं और नेवी के जो नौसेना के जवान हैं। मृत्युंजय, तेज हवा की वजह से आपकी आवाज साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जहां पर बार्ज P-305 डूब गया है और उसमें अभी भी 127 लोग समंदर में फंसे हुए हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। सुबह 6 बजे तक 146 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से INS कोलकाता ने 2 और लोगों का रेस्क्यू किया था। मृत्युंजय सिंह लगातार कोलाबा से मौजूद है हमारे साथ, पूरी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। मृत्युंजय, बड़ा सवाल यह है कि कोशिश लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश हो रही है, परिस्थितियां बहुत दुर्गम हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिशें जारी हैं। जी मृत्युंजय, आप रहे हमारे साथ, मैं आपके पास आपका रुख कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को कोशिशों की कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं। मुंबई के समंदर में फंसे लोगों को लगातार बचाने की कोशिश जारी है। कल जिन लोगों को बचाया गया उन्हें नेवी के हेलीकॉप्टर से लाया गया है। जो लोग बार्ज P-305 पर थे उनको बचाया गया। बार्ज SS-93 पर अभी भी करीब 166 लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश भी एक तरफ हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब उन लोगों को वहां से निकाल कर लाया गया हेलीकॉप्टर के जरिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं। लगातार नौसेना की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत दुर्गम हैं, विजिबिलिटी बहुत लो है, ऐसे में हेलीकॉप्टर्स का वहाँ तक ठीक तरीके से जा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोशिश जो वॉरशिप्स हैं उनको आगे भेजने की हो रही है। INS कोच्चि, INS कोलकाता उसी इलाके के आसपास मौजूद है, ट्रेस करने की कोशिश हो रही है कि ये लोग कहाँ पर हो सकते हैं, जल्द से जल्द उन तक पहुँचा जाए। और कुछ देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, दो लोग उनका रेस्क्यू किया था INS कोलकाता ने, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और इसी तरह कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जहाज पहुँचे और नेवी के जवान उनका रेस्क्यू कर पाएँ, उनको सुरक्षित समंदर के इस पानी से निकाल पाएँ। तीन तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तरफ वो तस्वीरें जब रेस्क्यू करने के बाद उन तमाम कर्मचारियों को जो उस बार्ज पर मौजूद थे उनको वापस लाया जा रहा है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मिशन पर किस तरह से INS कोलकाता मौजूद है, लगातार कोशिश रेस्क्यू की। और दूसरी तरफ कोशिश ये हो रही है टूई विमानों के जरिए और सैटेलाइट्स के जरिए कि लोगों को तलाश किया जाए कि वो कहाँ पर हो सकते हैं और अपने जहाज़ों को उस तरफ डायरेक्ट किया जाए। नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, तीन अहम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक तरफ तो वो जो लेकर आ गए जिनको रेस्क्यू करके ले आए, दूसरी अहम तस्वीर है वो जब INS कोलकाता वहाँ पर पहुँचा है और दो लोगों का रेस्क्यू किया है जो उस वक्त एक लाइफ बोट में शायद नारंगी रंग का एक कपड़ा लहरा रहे थे उनको निकाला गया, और एक तरफ कोशिश हो रही है टोह लगाने की कि आखिरी लोग कहाँ हो सकते हैं। किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हो रहा होगा वहाँ पर, इस वक्त क्या परिस्थिति होगी, अगर आप समझा पाए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल आदर्श, क्योंकि हमने कल भी इस तरह की तस्वीरें देखी थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी समुंदर में। हमने कर्नाटक की एक तस्वीर देखी थी जो कर्नाटक के ऑफ में जो समुंदर है वहाँ पर एक जो जहाज़ था वो बह गया था समुंदर में कूस से, तो उसके लिए कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना ने अपना ऑपरेशन चलाया था और हमने देखा था कि कितनी ऊँची लहरें वहाँ पर उठ रही थी और उन सब के बीच में करीब 9 उसमें क्रू मेंबर्स थे उस जहाज़ में जो कमर्शियल व्हीकल था, वो वेसल था, उसमें से पहले भारतीय नौसेना ने उनको बचाया और उसके बाद फिर उनको कोस्ट गार्ड के हवाले किया गया और कोस्ट गार्ड फिर उनको सुरक्षित थी हेलीकॉप्टर के जरिए लेकर आई थी। तो उस वक्त हमने देखा था कि कई फुट ऊंचा, क्योंकि वो जहाज़ भी कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, बहुत बड़ा जहाज़ था और उसकी जो लहरें थी, पानी जो था समंदर का वो उसके अंदर घुस गया था, जिसके चलते उसका प्रोपल्शन और उसका इंजन जो था फेल हो गया था, जिसके चलते ही उन्होंने SOS कॉल दी थी उस
बोट के जो क्रू मेंबर्स थे, तो उसके ज़रिए हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है। इस वक्त जो लहरें हैं समुंदर की, वो कम से कम 8-10 फीट ऊंची उठ रही हैं। जो शिप के अंदर जो जितने वॉरशिप भी होते हैं उन तक भी अंदर पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्योंकि वॉरशिप जो होते हैं बड़े, जैसे कोची और कोलकाता बहुत बड़े अपने क्लास के शिप्स हैं, तो इसलिए इसके अंदर तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो छोटे जैसे बार्ज है, वो जो ड्रिफ्ट किया है, ये छोटे होते हैं, ये इनमें ये इनको इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑयल कंपनीज होती हैं जैसे ONGC है या दूसरी प्राइवेट एजेंसीज हैं, वो इनका इस्तेमाल करती हैं अपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं, या कर्मचारियों को वहाँ तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। उसमें बहुत मुश्किल अभी आ रही होगी इस भारतीय नौसेना को। ठीक है नीरज, आप नजर बनाकर रखिए, नीरज और मृत्युंजय दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।